नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। आपके साथ मैं गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। चारों ओर से विरोध झेल रहे नगर निगम ने आखिर ठेले वालों के खिलाफ प्रारंभ की गई अपनी कार्यवाही स्थगित कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ठेले वालों में इसके बाद कोई जागरूकता आई? शायद नहीं। चोइथरा मंडी के बाहर रीजनल पार्क तक नई सब्जी मंडी लग गई। इस सब्जी मंडी में जहां हजारों की संख्या में बेधड़क सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ते हुए ठेले लगाए गए, वहीं हजारों की संख्या में सब्जी खरीदार लोगों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का खुलकर उल्लंघन किया। अब विरोध करने वाले उन नेताओं से बड़ा सवाल है कि क्या ऐसी स्थिति में इंदौर में कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है? क्या सिर्फ विरोध करना ही इन नेताओं का कर्तव्य है? इनका कर्तव्य नहीं कि लोगों को समझाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में किया जाए? रीजनल पार्क के बाहर तो आज ऐसी स्थिति दिखाई दी कि यहां स्थित मुक्तिधाम में अंतिम यात्रा ले जाने के लिए भी जगह नहीं थी। क्या यह इंदौर के लिए उचित है? अगर नहीं तो कार्यवाही का विरोध करने वाले जनप्रतिनिधियों को इसके लिए भी मैदान में आना चाहिए, क्योंकि विरोध करना बहुत आसान है परंतु नियमों का पालन कराना काफी कठिन। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ। नमस्कार।